जनपद पंचायत बिछुआ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गुमतरा में इन दिनों रोजगार सहायक की मिलीभगत के चलते खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन की उदासीनता साफ झलक रही है। निरंतर शिकायतों के बावजूद भी भ्रष्ट रोजगार सहायक पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे रोजगार कर्मियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इन्हें शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। ग्रामवासियों का यह भी कहना है, रोजगार सहायक बिना रकम लिए प्रकरण बनाए ही नहीं जाते हैं और न ही कोई कार्य किया जाता है। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने यह आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत गुमतरा अंतर्गत आने वाले गांवों में हर जगह गड़बड़ी मिल जाएगी। रोजगार सहायक द्वारा निर्माण कार्यों के साथ ही अन्य कार्यों में भी गड़बड़ी की जा रही है। गाँव वासियों का कहना है कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है और अगर किसी को मिल भी जाता है तो इसके पीछे उसे नजराना देना होता है, तब कहीं जाकर उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है। आरोप तो यह भी है कि इस पंचायत में निर्माण कार्यों से लेकर अन्य कार्यों में भी जमकर गड़बड़ी की गई है, चाहे वह मनरेगा मस्टर रोल हो अथवा अन्य कोई निर्माण कार्य। एवं सीएम हेल्पलाइन पर लगाने पर जनपद पंचायत के धर्मेंद्र मालवी अधिकारी के द्वारा हमें डराया धमकाया जाता है, अगर सही तरीके से इस ग्राम पंचायत की जांच हो जाए तो लाखों रुपए का हेरफेर सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत गुमतरा का रोजगार सहायक की मनमानी के चलते विकास का पहिया थमा हुआ है, साथ ही पात्र हितग्राहियों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वर्तमान सरपंच, उपसरपंच, पंच, ग्रामवासी सैकड़ों की संख्या में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन इन सभी के द्वारा किया गया। काम करते नहीं है। कौन नहीं करता काम? क्या नाम है कि नहीं है ग्राम पंचायत? कभी कभी आते नहीं तो बंद कर, मतलब मन मर्जी से कभी आना कभी चले जाना। अच्छा, तो अभी किस कारण से बैठे हैं अभी धरना को हटाने? उसको हटाना है सहायक सचिव को। कौन है आपके यहाँ सहायक सचिव? क्या नाम है उनका? संदीप। अच्छा, कहाँ के है? तो इनके खिलाफ में क्यों धरना कर रहे हैं? क्या कारण? क्या लापरवाही है? अरे कोई काम नहीं करती जनता की, और सरकारी योजना में लापरवाही। हाँ, लापरवाही। अभी संबल अम्बल की योजना अभी चल रही है, उसका भी काम चल रहा है? काम नहीं कर रहे। अभी सर्वे चल रहा है तो सर्वे का भी, जन सेवा योजना के तहत कोई काम ही नहीं कर रहे। आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन सरकार से? सहायक सचिव को। क्या नाम आपका? आपका नाम बताइए। कहाँ से हो? अच्छा, पंचायत में किस पद पे हो? सरपंच। सरपंच ग्राम पंचायत गुमतरा के सरपंच, सरपंच, पंच एवं ग्रामवासी के द्वारा अभी धरना प्रदर्शन किया गया। उसमें उन्होंने बताया कि सहायक सचिव को हटाओ, ग्राम पंचायत गुमतरा को बचाओ। तो इसके बारे में क्या है ये मुद्दा? इस मुद्दे को तो मेरे पास तो कोई भी आवेदन आया नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं घटनास्थल पर गया था तो जानकारी लगी है कि गाँव वाले उसके प्रति काम नहीं कर रहे, उसके प्रति आक्रोशित है। तो मैडम से भी चर्चा करूँगा उस विषय में, और ताकि मेरे को उस स्थिति क्लियर हो जाए। ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि भाई उनके द्वारा कोई शासकीय योजना वहाँ नहीं मिल रही है, ना ही वो घर से वो कार्यालय जा रहा है, जो भी कार्य करवाना है तो घर पर आके कर रहा है। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? संबल योजना हो गई है, लाभ नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो मुख्यमंत्री जन सेवा, निश्चित ही यदि ऐसा है कि योजनाओं का लाभ नहीं दिलवा पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो हम इस विषय में मैंने बात कर करूँ, इस विषय पर पहले भी कई शिकायत हो चुकी है, लेकिन अभी प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चूंकि इससे पहले शिकायत हुई है और मैं अभी लगभग दो, जब से मैं कारोबार संभाल रहा हूँ, जब से पहली बार मेरे संज्ञान में मामला आया है। अब इस विषय में मैडम से जैसी बात होती है उनसे मैं क्या क्या उन जो आप ग्रामीणों ने शिकायत की थी उस पर क्या आज तक जो क्या एक्शन लिया गया है उस विषय में चर्चा करूँगा, उसके बाद में आपको बताता हूँ। धर्मेंद्र मालवीय जी का भी वो जांच बनाया, उनने तो जांच में भी रफा दफा ग्रामीण द्वारा आरोप लग रहा है कि धर्मेंद्र मालवीय ने 20-25 हज़ार देकर वो मामले को सेटल किया, क्या ये बात सही है? यदि ऐसा कुछ है, धर्मेंद्र मालवीय जी जो आप बता रहे हैं ऐसा कुछ पता चलता है तो उनके ऊपर भी
कोशिश करेंगे कि उनकी भी जांच हो, यदि जांच में सही पाया जाए तो कार्रवाई करवाएंगे। और ग्रामीण कार्रवाई में ग्रामीण ने सीएम हेल्पलाइन लगाया था, उसको डरा धमका कर ये बैठे ग्रामीण वापस डरा धमका के सीएम हेल्पलाइन बंद करा दी गई। और अभी मौके पे आमने सामने कराया गया तो ग्रामीण बोल रहे क्या यही साहब ने धमकी देकर मेरे को सीएम हेल्पलाइन बंद कराया। क्योंकि सीएम हेल्पलाइन का तो अभी आप बता रहे हैं तुम्हें कुछ दिन से जब भी जनपद पंचायत में अधिकारी कर्मचारी की इतनी मनमानी चल रही है तो इस विषय पर आप जनपद की कर्मचारी लोग मुख्यालय में निवास भी नहीं करते, जैसे अधिकारी कर रहा है, जैसे जनपद सीओ मैडम करती है वैसे अधिकारी हो कर भी रहना चाहिए ना। जैसे सब इंजीनियर हो गए और बाकी और भी सहायक यंत्री हो गए और उनका स्टाफ सब मुख्यालय में निवास नहीं करता जिले से। गुमतरा पंचायत का जो मामला आया हुआ है रोजगार सहायक के खिलाफ, इस विषय में अभी तक क्या कार्रवाई हुई और कितने आवेदन आए अभी तक आपके पास? आवेदन लगभग 5-6 आवेदन आए थे ग्राम पंचायत के जी। मैंने सभी पे जांच करके, उनकी जांच करने के बाद सक्षम प्राधिकृत अधिकारी सीओ जिला पंचायत है तो कार्रवाई के लिए मैं भेज चुकी हूँ। एक बार उसको नोटिस जारी हुआ है क्योंकि उसको वहाँ से हटाने के पहले उसका ही पक्ष होना जरूरी है। उसको नोटिस जारी हुआ है, मैंने अपना अभिमत भी प्रस्तुत कर दिया है कि उसको वहाँ से हटाया जाए और प्लस उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। इसके पहले मैडम जनवरी में कुछ आंदोलन हुआ था उस विषय में? आंदोलन हुआ था तो हमने, क्योंकि वो जांच के लिए हुआ था, एक शिकायत के लिए, क्योंकि संदीप जांच को प्रभावित कर रहा था, वहाँ पे लोगों को बंगला रहा था, इसीलिए हमने क्या किया जांच प्रभावित ना हो तो हमने कुछ दिनों के लिए वहाँ पे मैंने बगल वाले GRS को भेज दिया ताकि। तो फिर आप क्या कारण था कि आपने पुनः उनको वहाँ वो कर दिया? पाथरी के लोगों को भी उसकी डिमांड थी ना, वो तो मूलतः उसकी पंचायत पाथरी, लेकिन ग्राम पंचायत के लोगों की डिमांड नहीं है मैडम गुमतरा में रोजगार सहायक की? नहीं, डिमांड नहीं चलता है, मतलब क्योंकि वो इसकी पदस्थापना है तो उसको तो वही काम करने से मेरी पदस्थापना, लेकिन वो कार्य में लापरवाही बरत रहा है मैडम। चार्ज में सौसर है भाई, आखिर में मेरी मूलतः रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिछवा की है। मैं भले ही मुझे सौसर के लोग कितना भी लाइक कर ले पर मेरी मूलतः रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिछवा की है ना। लेकिन मैडम ग्रामीण द्वारा बार बार शिकायत आ रही सरपंच सर पर लापरवाही कर रहे हैं। मैंने सीओजेडपी सर को भेजा क्योंकि सर ही सक्षम प्राधिकृत अधिकारी है, वही कार्रवाई करेंगे और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि आज भी मेरी बात हुई है तो बहुत जल्दी इसके ऊपर। ग्रामीणों का आरोप है कि मैडम APO जो धर्मेंद्र मालू उनके द्वारा भी पहले जो जांच अधिकारी बने थे उनके द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। जांच की है उसके ऊपर, वसूली है, रिकवरी की है हमने। कितने की वसूली की है मैडम? लगभग 60,000 के आसपास। मैडम वो 1.5 लाख का मामला था, उसमें 16,000 में कैसा मामला? 16 नहीं, मैंने 16 नहीं बोला, 60,000 का बनाया था हमने उसका रिकवरी जांच करके पूरा हुआ। और बाकी उसमें और भी जांच के काम थे जिसमें सरपंच सचिव ने बाद में उसमें काम करा दिया, इसलिए वो विड्रॉ। मैडम अभी जो मामला आया इस पर आप क्या कार्रवाई करोगे मैडम? आप भेज दिया जिला पंचायत, वहीं से हुआ कार्रवाई। इसके पहले भी जिला पंचायत में गया हुआ मामला कार्रवाई, इसके पहले भी इन्हें आवेदन दिए मैडम तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं होती, इनकी संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। कार्रवाई नहीं होती से नोटिस भी जारी होता जिला पंचायत से, कार्रवाई हुई है नोटिस जिला पंचायत से जारी हुआ है उसको। अच्छा, कार्रवाई ये हुई कि उसको पुनः वहाँ पे पहुँचा दिया गया? नहीं, ये कार्रवाई नहीं है, ये तो क्या कार्रवाई है मैडम? नहीं अटैच है पाथरी में किए थे पंचायत, पाथरी मैंने क्या सिर्फ जांच प्रभावित ना करे इसलिए कुछ दिनों के लिए दिया था मैंने उसको वहाँ के, ताकि वहाँ की पेंडेंसी जो थी वो खत्म हो। हाँ मैडम, वहाँ के सरपंच उप सरपंच और वो चाह रहे हैं कि यदि ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती तो सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आज अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ये सब बता दिया है, उनकी नॉलेज में चीज़ें डाल दी हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। मैंने आज सभी से बात कर ली, सीओ सर से बात कर लिया, ADM सर को बता दिया कि सर ऐसा ऐसा मामला है तो मेरे ख्याल से जल्दी कार्रवाई। मैडम ये जिला, आज हम ग्राम पंचायत गुमतरा से सभी पंच सरपंच उप सरपंच और आम नागरिक बिछुआ जनपद पहुँचे, हमारी समस्या बहुत ही कहना चाहिए कि संवेदनशील है, हमको आज तक सुना नहीं गया। आज हम एक दिवसीय हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हैं, रोजगार सहायक की लगातार अनियमितता, जैसे कि ID जुड़वाना, किसी का नाम काटना, किसी का जोड़ना, और ग्राम पंचायत में जो भी कार्य जैसे आयुष्मान कार्ड है जे नहीं किए जा रहे हैं, ग्राम पंचायत में वहाँ पर नहीं बैठ रहे हैं, और कोई भी कार्य उनके वजह से हमारे ग्राम में बाधित हो रहे हैं सारे कार्य, इसलिए आज हम यहाँ पर एक दिवसीय धरना देने के लिए यहाँ आए थे। विगत कुछ दिनों पहले उनका स्थानांतरण या कहना चाहिए अटैचमेंट पाथरी में किया गया था, किसका? रोजगार सहायक, क्या नाम है उनका? संदीप ठाकुर,
तो उनका स्थानांतरण किया गया था, लेकिन मैडम ने दोबारा पुनः उनको वहीं गुमतरा में पदस्थापित कर दी। तो उसके बाद भी बार बार उनको समझाइश देने पर कि भाई आप कार्य करिए, आप ग्राम पंचायत भवन में आइए, लेकिन वो वहाँ आने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं मेरी मर्जी से ड्यूटी करूँगा, आप मेरे को आदेश करने वाले होते नहीं। कौन तो, बोलता है? रोजगार सहायक जो है। किसको बोलता है? जे पंचायत पार्टी को। लेबर निकालने जैसी जो समस्या है, आज इंजीनियर हमको ग्राम पंचायत के सरपंच को सचिव को फोन करते हैं कि आप लेबर निकालो, लेकिन वो लेबर निकालने को तैयार नहीं है। ऐसी ढेर सारी समस्या। आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, हमारी लगभग लगभग 500 परिवार की एक बस्ती है। मैं कहता हूँ 100 परिवार उनके पक्ष में हो जाए। यहाँ बिछुआ से कितने किलोमीटर है आपका? यहाँ से 25 किलोमीटर। ग्रामीण है? ग्रामीण क्षेत्र है, और कहना चाहिए कि विकास के कारण वंचित, और उनके कारण विशेष रूप से विकास कार्य बाधित हो रहा। अच्छा, काम करवाने के लिए आपको यहाँ जनपद के मुख्यालय में आके परेशान होना पड़ता है? परेशान होना पड़ता है, बार बार यहाँ आना पड़ता है। इसकी शिकायत आपने? हमने इसकी शिकायत कलेक्टर साहब जो वो लगाते हैं मंगलवार दिन जन सुनवाई, उसमें भी वो शिकायत की गई, उसके कागज है। और इसके पहले और कहीं शिकायत? आप शिकायत जनपद पंचायत सीओ मैडम को भी की गई। कब किए थे आपने शिकायत? तो उसकी मेरे पास पूरी कागज की प्रति ली। सीओ मैडम के द्वारा क्या कहा जाता है? सीओ मैडम के द्वारा जो कहा जाता है कि ये समझ लो कि एक रोजगार सहायक है। जनवरी इसके 6 माह पहले ग्राम सभा प्रस्ताव पारित किया गया कि रोजगार सहायक की संविदा अवधि समापन की जाए, वो प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन हमने यहाँ जनपद पंचायत में भी उसको आवेदन लगाया कि हमारी ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित किए गए, तो मैडम ने साफ कह दी ग्राम पंचायत प्रस्ताव मान्य नहीं होता। उसकी फिर दोबारा हमने कहा जिला में दिए, कलेक्टर महोदय को आवेदन करे कि भाई हमारी ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करिए। पंचायत राज अधिनियम में है कि भाई ग्राम पंचायत अगर प्रस्ताव बना रही तो उसे सुप्रीम कोर्ट का भी ये जजमेंट है कि उसको कोई नहीं डाल सकता, कोई भी संस्था हो मान्य है। लेकिन आज हमें ये देखा जा रहा है शासकीय कर्मचारी जो है उस ग्राम सभा प्रस्ताव को ही मार रहा है। तो हम ये चाहते हैं, एक दिवसीय धरना तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे ग्राम सभा प्रस्ताव अगर प्रशासन नहीं मानता है और 7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम जिला कलेक्टर में जाकर सरपंच उप सरपंच और जितने वार्ड मेंबर ग्राम पंचायत गुमतरा के हैं पूरे एक तरफे इस्तीफा देने को तैयार है। या तो वो रोजगार सहायक के कोई ही सरपंच बना दे, उप सरपंच, सब उसी को कारोबार दे दे। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे जनप्रतिनिधियों का अगर कहना नहीं मान रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि गरीब लोगों तक शासकीय योजना का लाभ मिले, जो योजना आ रही है उन तक हम घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ग्राम सभा प्रस्ताव ये है कि भैया रोजगार सहायक अगर काम नहीं कर रहा है उसको नहीं तो हटा दीजिए, दूसरा रोजगार सहायक अगर काम करेगा। इसके पहले कहाँ कहाँ शिकायत की है आपने? जनपद पंचायत विश्व में भी दिए, कलेक्ट्रेट में भी दिए, और उसकी सीएम हेल्पलाइन में लगी। इसके लिए अधिकारी के द्वारा कभी जांच की गई वहाँ के? मैडम द्वारा कहा जाता है कि प्रत्येक शिकायत पर जांच की गई, लेकिन मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि उनके जो एपीओ साहब हैं मालवीय जी, वो कभी शिकायत जिस तरह ग्राम पंचायत गुमतरा पहुँचे उनने से भी यहाँ ऑफिस में बैठकर ही उनने प्रतिवेदन बनाया। ये एपीओ धर्मेंद्र मालवीय कौन है? ये एपीओ धर्मेंद्र मालवीय है, इनको द्वारा जाँच की गई थी। अच्छा, जिसके पूर्व भी रघुवीर जौहरी की जो मेड़ बंधन उसके खिलाफ भी यहाँ शिकायत हुई थी, तो उनने मात्र 1 दिन की पेमेंट काटे थे। अच्छा, गबन का था वो मामला? वो गबन उसमें कम से कम 1.5 लाख करीबन का सुकृत थी उसमें, 1,46,000 का। उसमें जब पंचनामा सचिव के द्वारा बनाया गया तो वहाँ मात्र 90 खंती पाई गई। अच्छा, बाकी पैसा 90 खंती पाई गई। उसके बाद टोटल उसमें घोटाला था, लेकिन जनपद में 60-गांठ करके उसको मात्र 16,000 का गबन बनाया गया। उसमें अगर हम पूछते मालवीय साहब से ये गबन क्यों बनाया गया, तो आप आए थे मौके में हमसे पूछे थे, हमने शिकायत करे थे, आप आए थे स्थल में, वो जवाब नहीं देते तो फोन काटते। तो आप क्या चाह रहे हैं वो विषय में कि जांच हो? जांच हो, और हम चाह रहे हैं कि जांच हो, पूर्णतः जो तथ्य है उस पर जाँच हो, और जो सही है सही। चोरई से चंचलेश इंदौरकर की रिपोर्ट।